मगरमच्छ के अंडे खाने के बाद इन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है और डे ये फैसला लेता है कि कोई को वो अपने कंधे पे बैठाएगा और कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी। वो ऐसा करती है लेकिन वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। वो लोग जान जाते हैं कि अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो उन्हें ड्रेन होल के अंदर जाना होगा और ड्रेन होल के अंदर तो वो मगरमच्छ होता है। अगले दिन वो लोग ड्रेन होल के ढक्कन को खोलते हैं और मगरमच्छ को बाहर निकालते हैं। मगरमच्छ देखता है कि उसके अंडे को उन लोगों ने खा लिया है। जब तक वो उन लोगों के ऊपर अटैक करता तब तक वो दोनों लोग ड्रेन होल के अंदर घुस जाते हैं और उसके ढक्कन को बंद कर देते हैं। अब इसके बाद वो लोग उस रास्ते की ओर जाते हैं जहाँ से उन्हें बाहर का रास्ता दिख रहा होता है। असल में डे को अपने इंसुलिन शॉट की जरूरत होती है जो कि उसके दोस्त ने वहीं पास में रखा होता है। उसको खींचने की कोशिश करता है लेकिन इन सब में वो इंसुलिन शॉट नीचे गिर जाता है और फूट जाता है जिससे कि वहीं पर बर्बाद हो जाता है। अब डे काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगता है क्योंकि बिना इंसुलिन शॉट के उसकी ज़िंदगी लगभग नामुमकिन है। ऐसे में उसे याद आता है कि जब उसका दोस्त वहाँ पे उसके डॉग को बांधने के लिए ले जा रहा था तब उसने उसके बैग को उठाया था और उसके बैग के ऊपर डे का सिगरेट वॉलेट रखा था और वो वहीं पे उस ढक्कन में गिर गया था। वो जब ध्यान से देखता है तो वहाँ पे उसे अपना वो वॉलेट मिल जाता है। जब उसको वो ओपन करता है तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इंसुलिन शॉट होता है जिसको वो इमरजेंसी के लिए रखा करता था। वो उसका शॉट को लेता है और उसके अंदर पावर आती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और ढक्कन से बाहर आने पर वो देखता है कि हवा चलने की वजह से वहाँ पर एक लोहे की वायर नीचे लटक आई है। वो उस वायर का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उस वायर में काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं जिस वजह से उसके हाथ में चोट लगना शुरू हो जाती है। लेकिन डे इन सब के बारे में नहीं सोचता है और वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में वो तार हट जाता है और डे नीचे गिर जाता है जिससे कि उसके सर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो मगरमच्छ उसके ऊपर अटैक कर चुका है और उसे खाने की कोशिश कर रहा है। वो उस मगरमच्छ के पैर मारता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। डे कैसे तैसे दोबारा उस ड्रेन होल के अंदर घुस जाता है अपनी जान बचाने के लिए। उसको याद आता है कि ड्रेन होल के दो रास्ते हैं। वो एक ही रास्ते पे गया है तो उसे दूसरे रास्ते की ओर जाना चाहिए। जब वो कैसे तैसे दूसरे रास्ते की ओर पहुंचता है तो ऊपर उसे आसमान दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि इस रास्ते से वो बाहर निकल सकता है और जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है वो देखता है कि ये तो पूल का दूसरा साइड है, यानी कि उस पूल के बगल में भी एक पूल होता है और ये ड्रेन होल का दूसरा रास्ता उसी पूल में गया होता है। अब डे काफ़ी तेज चिल्लाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से नाकाम होता है और वो नीचे जा करके दोबारा से ड्रेन होल में लेट जाता है। अब हम देखते हैं अगला दिन, यानी कि लगभग 7 दिन वहाँ पे उन लोगों को हो चुके हैं, जहाँ पे हमें एक मोटर से उड़ने वाला पैराशूट दिखाई देता है जो कि उस पूल में आकर के गिर जाता है जिसमें डे और कोई फंसे होते हैं। वहाँ पे 2 लोग आते हैं उस पैराशूट को लेने के लिए। वो देखते हैं कि पैराशूट पूल के अंदर गिरा पड़ा है। उसको लेने के लिए वो लोग एक सीढ़ी को नीचे लटकाते हैं और उससे उतर के पैराशूट को उठा करके वहाँ से जाने लगते हैं। हमें वो मगरमच्छ भी दिखाई देता है जो कि उस सोफे के नीचे छुपा रहता है और वो सो रहा होता है। उसे नहीं पता चलता है कि वहाँ पे 2 लोग और आए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर डे को उन लोगों की आवाज़ आती है और वो ड्रेन होल से बाहर निकल के उन्हें बुलाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह में और उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो चिल्ला सके। इस वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और डे बाहर नहीं निकल पाता है। तभी डे की नज़र पड़ती है कि उन लोगों ने वहाँ पे एक सीढ़ी लटका दी है और उसकी हेल्प से डे यहाँ से बाहर निकल सकता है। बाहर निकल के उस सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है। इतने वो मगरमच्छ एक्टिव हो जाता है और वो डे की तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। डे अपने हाथ में कपड़ा बांधता है और उसके बाद उस तार को बांधता है जिससे कि वो मगरमच्छ के ऊपर अटैक कर सके। वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर काफ़ी तेज बारिश होने लगती है और बारिश का पानी उस तरफ भरने लगता है जहाँ पर कोई आराम कर रही होती है और कोई धीमे धीमे पानी में डूबने लगती है। अब डे को हर हाल में कोई को बचाना है लेकिन उसके सामने मगरमच्छ है। वो मगरमच्छ से लड़ाई करना शुरू कर देता है और मौका देख करके स्टेयर की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो सीढ़ी जिस पाइप से बंधी होती है वो पाइप बारिश की वजह से सरक जाते हैं और सीढ़ी ऊपर खींच करके चली जाती है। डे अब लगभग हार गया होता है क्योंकि वो स्टेयर वहाँ से जा चुकी है जो कि उसका आखिरी रास्ता था वहाँ से बाहर जाने का और वहीं दूसरी ओर कोई भी पानी में डूब रही है। उसको ऐसा लगता है कि कोई की मौत हो चुकी है और वो हार मानने लगता है। मगरमच्छ मौका देख करके उसके ऊपर अटैक करता है और उसको घायल करना शुरू कर देता है। वो उसके पेट पे अटैक करता है और उसके सर को ऑलमोस्ट कुचलने वाला होता है। इतने में कोई विसल बजाती है, यानी कि वो सिग्नल दे रही होती है कि वो अभी जिंदा है और डे की आँख खुलती है और वो मगरमच्छ के मुँह में एक लकड़ी को फंसा देता है जिससे कि मगरमच्छ का मुँह बंद नहीं रहा होता है। अब वो सोच रहा होता है कि कैसे वहाँ से बाहर निकले। तभी वो अपने डॉग की तरफ देखता है जो पता नहीं क्या सोच करके पूल की तरफ कूद जाता है और चैन से गला फंसने की वजह से उसके डॉग की मौत हो जाती है लेकिन उसकी बॉडी वहीं पे लटक रही होती है। डे को काफ़ी दुख होता है कि उसकी डॉग की मौत हो चुकी है लेकिन ये एकमात्र रास्ता है वहाँ से बाहर निकलने का। वो अपने डॉगी की बॉडी को पकड़ता है और उसकी हेल्प से बाहर आ जाता है
और भाग करके जाता है उस चेंबर की तरफ जिसमें कोई डूब रही होती है। वो एक पाइप की हेल्प से उसके लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है और काफ़ी मशक्कत के बाद वो उस ढक्कन को खोल देता है और उसके अंदर से कोई को बाहर निकालता है। लेकिन कोई पानी में डूबे रहने की वजह से बेहोश हो गई होती है और उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया होता है। वो उसको CPR देता है जहाँ पर थोड़ी देर की मेहनत के बाद कोई की आँख खुलती है और डे उसको गले लगा लेता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।